देवास में सीएम के आदेश का असर दिखाई दे रहा है। लाउडस्पीकर और सायरन हटाए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों से अब हटाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर। जिले भर में स्वेच्छा से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। अपने आप अब लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला यहां पर दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर। धार्मिक स्थलों से वो खुद अब लाउडस्पीकर हटा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया था कि लाउडस्पीकर्स को धार्मिक स्थलों से हटा दिया जाएगा और अगर आगे कभी बजाना भी है लाउडस्पीकर तो उसके लिए पहले प्रशासन की अनुमति जरूरी है। प्रशासन अगर कहता है कि अनुमति है तो फिर आप बजा सकते हैं, अगर प्रशासन मना करता है तो आपको नहीं बजाना है लाउडस्पीकर। तो किसी भी चीज के लिए अब परमिशन लेना अनिवार्य हो जाएगा और ऐसे में देवास में मुख्यमंत्री के आदेश का असर दिखाई दे रहा है। मोहन यादव की तरफ से पहले ही दिन आदेश जारी किया गया था कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए, तो अब लाउडस्पीकर हटने शुरू हो गए हैं। खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, इसका भी असर तमाम जगहों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले स्वेच्छा से आप देखिए कैसे अब लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं जिले भर में। लेकिन मध्य प्रदेश कोई पहला राज्य नहीं जहां धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई धार्मिक स्थल हैं, सरकार के आदेश के बाद उन धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स को हटा दिया गया। हालांकि हमने ये देखा कि कई फैसले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिन्हें यूपी से लेकर गुजरात तक में भी फॉलो किया जाता है और अब कुछ मॉडल मध्य प्रदेश में भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल पर कल भव्य आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 17 दिसंबर को कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल में रोमांचक गतिविधियां होंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से शाम सजेगी। 17 से 22 दिसंबर तक कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का प्रथम संस्करण आयोजित होगा। पर्यटकों के लिए टेंट सिटी तैयार है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अयोध्या की, जहां 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा और इस अवसर पर देश भर में बीजेपी के कई आयोजन देखे जाएंगे। 10 करोड़ परिवारों में दीप दान और पूजन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। 22-23 दिसंबर को होने वाली बड़ी बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष इस आयोजन का रोड मैप तैयार करेंगे। और यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।